हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए मैं आज मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं आज एक बड़े मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस होगी। मोटिवेशनल इसलिए कि जितने भी सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब हार मत मानिए। इसमें आप लोग ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी ये बच्चे देखें, जो हारे हुए बच्चे हैं, जो अभी तक बचे हुए हैं, अगर गलती से उनके कभी मार्क्स कम आते हैं तो कृपया करके आपसे विनती है मेरी, ऐसी कोशिश ना कीजिएगा। आपके मम्मी पापा ने आपको बड़े प्यार से आपको संभाला है, आपके आपके लिए उनकी कई सारी उम्मीदें हैं। आप ये सब चीज़ें सोचिए उस टाइम पे, उन सब चीज़ के बारे में। अब एक छोटा सा एग्ज़ाम रिजल्ट क्या आपकी लाइफ ख़त्म कर देगा? मरने से कुछ नहीं होता। मरना सबसे इजी सॉल्यूशन है। मरना एक ऐसी चीज़ है कि क्या हो गया, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं मर जाती हूँ, मर जाओ, क्या है इसके। लेकिन आपका कुछ नहीं जाता है, जाता बाकी लोगों का है। आपके बाद जब आप चले जाओगे, ये सारी चीज़ उनको सुननी पड़ती है, हर चीज़ का इल्ज़ाम उनके ऊपर आता है, क्या हो गया। आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अब एक बार के एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाने से क्या आप मर जाओगे सीधे? गलत है ना ये? आप सोचिए, खुद सोचिए एक बारी कि क्या मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक बार जी के तो देखिए उसके बाद कैसा लगता है। अच्छे मार्क्स ला के देखिए उसके बाद। मेहनत कीजिए, आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे। आप पहली बार ये है कि आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, वो बताइए आप। और मेरे बिंदी उनके मम्मी पापा से भी है कि मम्मी पापा प्लीज़, अगर बच्चे की गलती से नंबर कम आ जाती है, पहले तो बच्चे पर ध्यान दीजिएगा। बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके का उसका माइंड है, उसके माइंड के हिसाब से कंपैरिजन मत कीजिएगा बाकी के बच्चों से कि टॉपर है भाई, तू टॉपर क्यों नहीं आ रहा है। तो हर कोई टॉपर नहीं आ सकता है, हर किसी का अपना अपना माइंड होता है। ये समझाइए बच्चे को, कोई बात नहीं, बच्चे अभी आपकी इतनी आई, अगली बार थोड़ी बढ़ के आए, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंपैरिजन कीजिएगा, टॉपर से नहीं। कि उसका कितना माइंड है, उसका कितना लेवल है, वो किस लेवल का है, आप जानते हो ना इस सब चीज़ को कि कौन कितने लेवल का हो सकता है, बच्चा किस लेवल का है। आप जानिए, बच्चे को पहचानिए और समझाइए उसे, उसे मरने पे मजबूर मत कीजिए। कई बच्चे सुसाइड इस वजह से कर लेते हैं कि मम्मी पापा के सामने कैसे करूँगा, क्या बोलेंगे, मुझे इतना डांटेंगे। उनकी डांट वजह बन जाती है उनके मरने की। तो डांटिएगा मत, समझाइएगा, उन्हें प्यार से समझाइए। और बच्चों से मेरी प्लीज़ विनती है, सुन लीजिए, थोड़ा बहुत आपको सुनना पड़ेगा। मार्क्स कम आ गए, कई लोग तो समझदार होते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं बच्चों को, लेकिन कई लोग अजीब से होते हैं। उनके पेरेंट उनको इस तरीके से डांट देते हैं कि बच्चे फिर अपने बस में नहीं होते। उस टाइम उनकी बहुत नाजुक जो परिस्थिति होती है, बहुत नाजुक होती है, वो अपने आप को खुद संभाल नहीं पा रहे होते हैं। और ऐसे में हर कोई उनके ऊपर कुछ कहे, कुछ कमेंट करे, वो परेशान हो जाते हैं उन सब चीज़ों से, और उन सब चीज़ों से वो दूर भागना चाहते हैं। इस वजह से वो ये सारे डिसीजन लेते हैं। ये मैं समझ रही हूँ उनका डिसीजन किस वजह से होता है, लेकिन ये सब मत सोचिए। आप अपने लिए आपको कुछ करना है, सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि भाई मरने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन मरने से निकलता, मर जाने से क्या होगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी वहीं से। आप लाइफ शुरू कीजिए, जीना शुरू कीजिए। उसके बाद भी जो जीता है हिम्मत होती है, जिसमें हारने के बाद जीतने की जिसमें हिम्मत होती है, जज्बा होता है, जीत हमेशा उसी की होती है। एक बार हार जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं किया करते हैं। आप सभी के लिए मेरा ये मैसेज है, और ये मैं मोटिवेशनल वीडियो इसीलिए बनाना चाह रही हूँ कि वो बच्चे की प्लीज़, उन बच्चों से विनती है, ये मत कीजिएगा। एक बार जी के देखिएगा क्या होता है उसके बाद, क्या करूँ मैं, कि मैं किसमें अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये देखिए और बढ़िए उस लाइन में। एक जगह पे बैठ मत जाइए, करते रहिए, करते रहिए। हारना तो लगा रहता है, कई लोग हारे हैं, हारने के बाद ही जीत का मज़ा है। अगर आप हारोगे नहीं तो आपको पता क्या है, हर टाइम आप जीतते जा रहे हो तो कोई खुशी नहीं होती है। हारने के बाद जो जीत होती है उसकी खुशी एक अलग ही होती है, अलग मज़ा होता है, अलग। हर किसी की लाइफ में हार होती है, हारता है, हारने के बाद ही हर कोई जीतता है। ऐसे नहीं है कि सीधे जीतता ही है हर कोई, हारना ज़रूरी होता है लाइफ में। हारने के बाद जो जीत होती है उसकी अलग खुशी, उसको इंजॉय कीजिए। और हंसना मत छोड़िए, खुश रहिए लाइफ से, हर टाइम टेंशन में मत रहिएगा,
खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। आप सभी से मेरी विनती है, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो, आप सभी के लिए धन्यवाद।